हेलो फ्रेंड्स, बीएससी थर्ड ईयर के सभी फ्रेंड्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको पहले से पता है, आप लोगों का थर्ड पेपर चल रहा है क्वांटम फिजिक्स का। उसमें फर्स्ट यूनिट अभी चल रही है, थर्ड पेपर चल रहा है। यूनिट फर्स्ट चल रही है, उसका नाम है आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी। क्वांटम प्रभाव क्या है? क्वांटम प्रभाव पहले समझ लीजिए ध्यान से। क्वांटम साइंटिस्ट का नाम है, उसने सबसे पहले ये इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था। जब एक्स किरण फोटोन, हालांकि और विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए भी ये इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटम ने जो इस इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था वो एक्स किरणों के लिए। यदि एक्स किरण फोटोन, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो फोटोन के रूप में आपतित होती है अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी अपन ने एनालिसिस जो किया था, उसका जो संपूर्ण एनालिसिस विश्लेषण, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो किया था वो क्वांटम थ्योरी के आधार पर किया था, क्योंकि अपने को अच्छे से मालूम है कि जो क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल थ्योरी है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन को समझाने में विफल रही है। इसलिए क्वांटम थ्योरी का विकास हुआ है और इसका पूरा विश्लेषण, इसका पूरा अध्ययन प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशंस को स्पष्टीकरण जो हमने दिया है वो क्वांटम थ्योरी के आधार पर ही दिया है। तो क्वांटम इफेक्ट भी इस क्वांटम थ्योरी का ही एक सबसे महत्वपूर्ण इफेक्ट है। तो क्वांटम के अकॉर्डिंग जब एक्स किरण फोटोन किसी पदार्थ पर आपतित होते हैं या किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित होते हैं, तो जो एक्स किरण फोटोन है, फोटोन अपन जानते हैं पहले से ही वही ऊर्जा पैकेट, वो फोटोन पदार्थ के अंदर चला जाता है और उस फोटोन की संपूर्ण ऊर्जा किसी इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होती है। ये अपन अच्छे से जानते हैं कि पदार्थ में परमाणु होते हैं, परमाणु में नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो अंदर किसी भी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अगर फोटोन की ऊर्जा मिलेगी तो पूरी ऊर्जा ना मिले, कुछ ऊर्जा मिलेगी तो बाकी की ऊर्जा लेकर फोटोन किसी अन्य दिशा में विचलित हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी अपनी स्थान से डिस्प्लेस हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा, प्रकीर्णित हो जाएगा, कुछ भी कह लीजिए। तो ये जो इफेक्ट है उसको कहते हैं क्वांटम इफेक्ट। समझने के लिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है परमाणु की किसी कक्षा का और ये हम मान लेते हैं एक्स किरण फोटोन जो आपतित होगा पदार्थ का, इसलिए आपतित एक्स किरण फोटोन, इसकी ऊर्जा क्या होगी? एक्स किरण फोटोन की ऊर्जा भी बराबर होगी एच की। संवेग क्या होगा? संवेग इसलिए उसकी फोटोन की ऊर्जा E बराबर होगी एच न्यू। और संवेग क्या हो गया इसका? संवेग हो गया और ये ऊर्जा होगी E बराबर एच। अब इसकी इलेक्ट्रॉन के साथ अभिकर्ण क्रिया जब हुई तो कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ने ले ली, तो मूल दिशा ये थी आपकी फोटोन की। इस दिशा से ये फोटोन किसी अन्य दिशा में विचलित हो गया, इसको क्या बोलेंगे अपन? एक्स किरण फोटोन, एक्स किरण फोटोन, इसकी ऊर्जा क्या होगी?
बराबर एच यू एस। नई आवृत्ति हुई क्योंकि जब वो ऊर्जा कुछ इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो स्वाभाविक है कि प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा में कुछ न कुछ कमी आएगी। जितनी ऊर्जा पहले थी आपतन से उसकी तुलना में ऊर्जा घटेगी। ऊर्जा घटेगी मतलब आवृत्ति घटेगी, आवृत्ति घटेगी मतलब तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होगी। यही तरंग क्या है, कॉन्स्टेंट है। प्रकीर्णित हो गई, एक्सीलरेटर फोटोन तो चला गया, इसका कोण मान लीजिए कितना है, फाई कोण पर चला गया। और इलेक्ट्रॉन जो पहले स्थिर था वो इस दिशा में वृद्धि हो गया, इसको प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णित हो गया, इसका उस दिशा से कोण मान लीजिए थीटा। अब प्रकीर्णित एक्सीलरेटर फोटोन की ऊर्जा तो हो गई ई डैश बराबर एच यू डैश। और जो पहले जो इलेक्ट्रॉन था वो विराम अवस्था में था, इसलिए इसकी ऊर्जा विराम ऊर्जा जिसको कह सकते हैं एन जीरो सी स्क्वायर, संवेग जीरो इलेक्ट्रॉन के लिए है। और प्रकीर्णित होने पर ऊर्जा इसकी हो गई एम सी स्क्वायर। विराम द्रव्यमान एम जीरो होता है, गतिमान द्रव्यमान एम होता है, इसलिए एम सी स्क्वायर, संवेग भी बराबर हो गया एम बी। बी इलेक्ट्रॉन का वेग है, इस वेग से वो प्रकीर्णित हो जाएगा, वो वेग बी है, संवेग हो गया बी बराबर एम बी। अब इसका पर एनालिसिस करेंगे, थ्योरीज भी ले सकते हैं। जैसे मैंने बताई वैसे ही माना एक एक्सीलरेटर फोटोन किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया करता है, अन्योन्य क्रिया में कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देता है जिससे उसकी ऊर्जा में कमी आ जाती है, अन्य दिशा में विकलित हो जाता है। प्रकीर्णित एक्सीलरेटर फोटोन की ऊर्जा ई डैश बराबर एच यू डैश, संवेग ई डैश बराबर एच यू डैश अपॉन सी। और इलेक्ट्रॉन भी अपनी दिशा से विकलित हो जाएगा, इसकी ऊर्जा ई बराबर एम सी स्क्वायर, संवेग ई बराबर एम बी। अब इसका अपन एनालिसिस करेंगे मैथमेटिकली। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को देखेंगे संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण से अन्योन्य क्रिया है, टक्कर की तरह ही होती है, टक्कर भी एक अन्योन्य क्रिया है। अन्योन्य क्रिया में ऊर्जा का संवेग का संरक्षण होता है। संवेग संरक्षण अगर लगाएंगे, संवेग क्योंकि सदिश राशि है, इसके दो घटक होंगे, इस दिशा में संवेग के है, एक घटक कॉस के रूप में जाएगा। संवेग क्या है, एच यू डैश अपॉन सी कॉस फाई हो जाएगा, इधर घटक आ गया एच यू डैश अपॉन सी साइन फाई। ठीक है, ऐसे ही संवेग इसका एम बी है, इस दिशा में घटक हो गया एम बी कॉस थीटा, इस दिशा में घटक हो गया एम बी साइन थीटा। घटक ले लिया अपन ने संवेग के। अब पहले एक्स दिशा में संवेग संरक्षण लगाएंगे, एक्स दिशा में संवेग का संरक्षण जो लगाएंगे, एक्स दिशा में क्या हुआ, पहले अन्योन्य क्रिया से पूर्व संवेग क्या है एच न्यू, और संवेग के बाद अन्योन्य क्रिया के बाद भी एक्सीलरेटर फोटोन का संवेग क्या है एच न्यू अपॉन सी, और बाद में प्रकीर्णित एक्सीलरेटर फोटोन का एक्स दिशा में कितना है एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई, इलेक्ट्रॉन का कितना है के कॉमन ले लो दोनों में, क्या बचेगा यू माइनस यू डैश कॉस फाई बराबर हो गया एम बी कॉस थीटा। इसको उधर लिया है माइनस का हो गया, कॉमन ले लिया एच अपॉन सी दोनों में, यहाँ से यू बचा, यहाँ से यू डैश कॉस फाई एच इंटू यू माइनस यू डैश कॉस फाई बराबर एम बी सी कॉस थीटा। तो समीकरण नंबर लिख दिया है, सी जो था उसको बदल लिया है एम बी सी कॉस थीटा। अब वाई दिशा में लगाए संवेग संरक्षण, तो वाई दिशा में देखें तो अन्योन्य क्रिया से पहले वाई दिशा में कोई संवेग नहीं है, तो इसका मतलब जीरो। अन्योन्य क्रिया के बाद अकेले फोटोन का संवेग कितना वाई दिशा में एच टू डैश अपॉन सी साइन फाई,
इसका समय हो गया tan p sin थीटा। इसे समीकरण लिख सकते हैं h q गैर अपॉन c sin phi बराबर tan b sin थीटा। c उधर ले जाएं h q गैर sin phi बराबर tan b c sin थीटा। समीकरण नंबर दो। ये तो संवेग संरक्षण हो गया x दिशा में और y दिशा में। अब बताएंगे ऊर्जा संरक्षण। गतिज ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं अभिक्रिया प्रत्यास से हमें क्या मतलब की तरह गतिज ऊर्जा संरक्षण से क्या होगा अभिक्रिया से पूर्व एक्सीडेंट प्रोटॉन की ऊर्जा क्या है Fu इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रोटॉन की ऊर्जा Fu इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यदि M0c2 विराम स्थिति में और अन्योन क्रिया के बाद प्रोटॉन की ऊर्जा Fu गैस और इसकी हो जाएगी इसका सब ऊर्जा कितनी हुई mc2 इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा mc2 प्रोटॉन की ऊर्जा Fu गैस अन्योन क्रिया से पहले अन्योन क्रिया के बाद उधर लिया हुआ है इसको एस पावर में लगा यू टू माइनस यू डैश प्लस एम जीरो सी स्क्वायर बराबर एम सी स्क्वायर इसका वर्ग कर दो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा एस का स्क्वायर इनटू यू माइनस यू डैश का होल स्क्वायर प्लस प्लस का स्क्वायर हो गया एम जीरो स्क्वायर सी फोर प्लस टू एस एम जीरो सी स्क्वायर यू माइनस टू डैश बराबर एम स्क्वायर सी फोर पहले इसका हो गया स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर प्लस दो इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड से गुणा करेंगे बराबर राइट साइड में एम स्क्वायर सी फोर इसका भी फर्स्ट स्क्वायर बोल के लिख दो एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस टू न्यू क्यू डैश प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर प्लस टू एच एम जीरो सी स्क्वायर यू माइनस क्यू डैश बराबर एम स्क्वायर सी फोर समीकरण नंबर तीन। समीकरण तीन हो गया एक और दो से हम इसका मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो समीकरण एक में दो का भाग दो दो में एक का दे दो समीकरण दो में समीकरण एक का भाग देने का भाग देंगे राइट साइड में देखो एमपीसी एमपीसी कट गया साइन बने कॉस हो गया साइन थीटा इसे पकड़ने कौन आएगा इलेक्ट्रॉन का साइन बने कॉस हो गया एमबीसी एमबीसी कट गया इधर राइट साइड में एक्स कट जाएगा उधर से बचेगा न्यू डैश साइन फाई इधर से बचेगा न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई। अभी इसको समीकरण नंबर लिख दिया हमने चार। अब अपने को एक तो ऊर्जा का डिफरेंस निकालना है तो सबसे पहले काम करेंगे समीकरण एक और दो को वर्क करके जोड़ देंगे एक और दो को क्या करें वर्क करके जोड़ें समीकरण एक और दो समीकरण एक और दो को वर्क करके जोड़ने पर वर्क करके जोड़ेंगे इसको और इसको एच स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इधर से जो वर्क करेंगे का वर्ग आएगा यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई ठीक है इसका होल स्क्वायर आएगा तो ये वर्क करेंगे राइट लेफ्ट साइड में दोनों का वर्क करके जोड़ना भी है जोड़ेंगे जब एच स्क्वायर आएगा इसमें एच स्क्वायर इसमें भी आएगा एच स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया दोनों में से इधर से यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर आई और इसका होल स्क्वायर आया और इतना बोल दें यू स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस टू न्यू क्यू डैश कॉस
है, इसका आंसर हो गया न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस टू न्यू न्यू डैश कॉस पाई। फिर राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो इन दोनों में एन स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों में आएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक हो जाएगा, एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा उसमें से साइन स्क्वायर थीटा आया वो हो गया मान ए। कुल मिला के यहाँ पे भी देखो इन दोनों में न्यूडल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एस स्क्वायर न्यूडल स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव का मान हो गया वन, इन दोनों में न्यूडल स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव हो गया एक, प्लस क्या बचा न्यू स्क्वायर माइनस क्या बचा टू न्यू न्यू डैश कॉस फाइव बराबर एन स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब एक समीकरण ये है और एक समीकरण तीन, इन दोनों को आपस में घटाना है। इसको समीकरण नंबर हमने लिख दिया पांच, पांच में से तीन को घटा दो या तीन में से पांच को घटा दो भी आप कर सकते हो। समीकरण पांच में से समीकरण तीन को घटाने पर तो पांच में से तीन को जब घटाएंगे एच स्क्वायर हो गया पवन, ठीक है। फिर इसके बाद यहां से ये मान बचेगा न्यूडेस स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर माइनस टू न्यू न्यूडेस कॉस फाइव, यहां से ये बचेगा माइनस न्यू स्क्वायर माइनस न्यूडेस स्क्वायर और ये प्लस का हो गया टू न्यू न्यूडेस, ठीक है। इसमें जिसको बता रहे हैं एच स्क्वायर तो कॉमन आ गया, ये एडजेक्टिव लिख दिया मैंने तो ये माइनस करके आएगा, ये माइनस का ये माइनस का ये हो गया प्लस का। फिर इसके बाद ये हो गया माइनस एन जीरो स्क्वायर सी को माइनस टू एच एन जीरो सी स्क्वायर माइनस टू डैश माइनस एफ जीरो सी स्क्वायर ये बचेगा माइनस का टू एच एम जीरो सी स्क्वायर बी माइनस टू डैश बराबर राइट साइड में आएगा, राइट साइड में उधर समीकरण पांच में एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में एम स्क्वायर सी फोर क्या कॉमन ले सकते हैं, एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन हो गया, बी स्क्वायर भी लेते कॉमन एम स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले गया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले गया क्या बचा सी फोर ले लेते कॉमन, यहां से बचा वन पूरा कॉमन आ गया, पहले से इसको बता रहे हैं हम एम स्क्वायर सी का कॉमन आ गया, तो यहां से बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो यहां से एम स्क्वायर कॉमन आ गया और सी फोर कॉमन लेगा यहां पर सी स्क्वायर ये, तो सी फोर कॉमन लेने का मतलब सी फोर का भाग देंगे तो सी स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर कट जाएगा बी स्क्वायर बचेगा एज इट इज और माइनस का वन बचेगा, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करना आगे पूरा, अब इसको क्या कट गया देखो न्यू डैश स्क्वायर कट जाएगा ये न्यू स्क्वायर भी कट जाएगा एच स्क्वायर इन दोनों में कॉमन हो गया टू न्यू न्यू डैश क्या बचेगा यहां से वन माइनस कॉस फाइव प्लस का वन बच गया यहां से कॉमन लिए पूरा टू न्यू न्यू डैश यहां से माइनस का क्या बच जाएगा कॉस फाइव बराबर। फिर इसके बाद माइनस एन जीरो स्क्वायर सी फोर माइनस टू एच एन जीरो सी स्क्वायर टू माइनस टू डैश बराबर राइट साइड में क्या बचा एन स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे हम, ये द्रव्यमान होता है आपेक्षिक द्रव्यमान एन जीरो अपॉन एन डबल वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर सेकेंड ईयर में पढ़ा है इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स में है। आपेक्षिकता सिद्धांत से विराम द्रव्यमान एम जीरो अगर है तो आपेक्षिक द्रव्यमान एम बराबर होता है एम जीरो अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब एम का स्क्वायर
इसमें माइनस कॉमन ले लो तो वन माइनस सी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर हो जाएगी, बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर माइनस वन है ना, ये माइनस कॉमन ले लो वन माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का क्या बचा सी फोर है ये रहेगा, एम स्क्वायर की जगह पर ये दिया एम जीरो स्क्वायर और माइनस का एंजल स्क्वायर सी फोर यहाँ भी बच गया तो ये भी कैंसिल हो गया इससे, माइनस एंजल स्क्वायर सी फोर माइनस का ये रहा एंजल स्क्वायर सी फोर कैंसिल हो गया, अब कुल मिला के निकल क्या बचा अपने पास जीरो, यहाँ से समीकरण बन गया है स्क्वायर टू यू डू डैश वन माइनस कॉस पाई माइनस इसका कैंसिल हो गया टू एच एंजल सी स्क्वायर बराबर राइट साइड में बच गया जीरो, इसको उधर प्रत्यारोपण कर देंगे एच स्क्वायर टू यू यू डैश वन माइनस कॉस फाई बराबर टू एच एन जीरो सी स्क्वायर यू माइनस यू डैश, एक एच तो कट गया यहाँ से और दो भी कट गया यहाँ से, क्या मान आया अपने पास u माइनस यू डैस और उसको u यू डैस को उसके बदले में ले जाओ बराबर h वन माइनस कॉस फाई अपॉन एन जीरो सी स्क्वायर, ठीक है देखो u माइनस यू डैस ये है मैंने यहां लिख दिया और न्यू न्यू डैश जो आएगा वो बटे में आ जाएगा इसके बटे में दिया एम जीरो सी स्क्वायर इसके बटे में आ जाएगा एच अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर वन माइनस कॉस फाई एज इट इज, आगे देखो इसको थोड़ा और आगे सवाल करते हैं, इसमें इसका भाव देंगे तरंग दैर्ध्य के रूप में लिखना चाहें तो समीकरण ये हो गया लैम्डा के रूप में देखें क्योंकि सी बराबर होता है न्यू लैम्डा, सी बराबर न्यू अपॉन लैम्डा इन सी अपॉन न्यू बराबर लैम्डा, सी बराबर न्यू लैम्डा होता है तो एक बराबर एन लैम्डा होता है, एन आवृत्ति व आवृत्ति न्यू है यहाँ पे सी बराबर न्यू लैम्डा न्यू को लिख लिया है सी अपॉन न्यू बराबर लैम्डा, तो सी से इसको गुणा कर रहे हैं हमारे पूरे समीकरण को सी अपॉन यू डैश माइनस सी अपॉन यू बराबर एच अपॉन एन जीरो सी, क्योंकि सी से जब गुणा किया एक सी कट गया एन जीरो सी रह गया वन माइनस कॉस फाई एज इट इज है, अब ये सी अपॉन यू डैश क्या हो गया सी अपॉन यू डैश के अकॉर्डिंग लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर हो गया एच अपॉन एन जीरो सी माइनस लैम्डा डैश है बाद वाली तरंग दैर्ध्य, बाद में जो एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य आएगी एक्स किरण फोटोन की वो लैम्डा डैश है पहले वाली लैम्डा है, अब चूंकि तरंग दैर्ध्य में कमी आती है उसको अपन चाहे तो लिख सकते हैं समीकरण नंबर डाल देते हैं पांच खुले हुए छह ये सात या करके लैम्डा माइनस लैम्डा डैश बराबर एच अपॉन एन जीरो सी कॉस फाई माइनस ऐसे लिख सकते, ये डेल्टा लैम्डा ज्यादा है पहले वाली तरंग दैर्ध्य ज्यादा है कम है क्योंकि ऊर्जा घट रही है तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है उसको डेल्टा लैम्डा लिख सकते हैं, पहले ऊर्जा ज्यादा थी बाद में कम हो गई ऊर्जा घट गई मतलब आवृत्ति घट रही है तरंग दैर्ध्य में क्या हुई वृद्धि, लैम्डा डैश ज्यादा है ज्यादा में से कम घट गया ये मान जाएगा
इससे अपन तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन निकाल सकते हैं कि एक्स किरण फोटोन की तरंग दैर्ध्य में कितनी वृद्धि होगी या आवृत्ति में कितनी कमी होगी, ये अपन इस सूत्र से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक सूत्र अपन निकालें, इलेक्ट्रॉन का उत्कीर्णन कोण समीकरण चार को थोड़ा सा प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन का उत्कीर्णन कोण सर, ये अपन नहीं है पहले समीकरण चार लिखी है, उसमें यू की डैश बना लेते हैं, टेन थीटा बराबर क्या है यू डैश साइन फाई अपॉन यू माइनस यू डैश कॉस फाई। इसको थोड़ा आगे सॉल्व करें, यू डैश साइन फाई बटे यू डैश कॉमन ले बने ऐसे पीछे से यू अपॉन यू डैश माइनस कॉस डैश बन जाएगा साइन फाई बटे यू माइनस यू डैश यू अपॉन यू डैश माइनस कॉस। इसका मान यहाँ से देखिए समीकरण नौ से टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन फाई बटे यू अपॉन यू डैश का मान यहाँ पे है, ये समीकरण ऊपर वाला जो समीकरण लिखा हुआ है उसमें यू अपॉन यू डैश यू से गुणा करते हैं कट जाएगा पहले से जो गुणा कर रखा है, इससे जो मान निकालेंगे यू अपॉन यू डैश यू से गुणा कर रहे हैं समीकरण, ठीक है सी। तो यहाँ पे आगे सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर लिख देंगे इसकी जगह वापस से, अपन ने पहले से गुणा किया सी स्क्वायर था सी कट गया था एक, वापस सी को भाग दे देंगे तीन सी स्क्वायर हो जाएगा और यू से गुणा कर देंगे यू अपॉन यू डैश माइनस यू अपॉन यू क्या हो गया वन बराबर क्या हो गया एन अपॉन एन जीरो सी स्क्वायर वन माइनस कॉस। सी है कॉमन ले के नीचे लिया हो सी से गुणा भाग दे तो भाग देती है तो न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से न्यू अपॉन न्यू डैश बराबर हो गया एन अपॉन एन जीरो सी स्क्वायर वन माइनस कॉस फाइव प्लस वन, ये मान यहाँ लिखो क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर टेन थीटा उत्कीर्णन कोण साइन फाई बटे यू अपॉन यू डैश का मान क्या हो गया एच अपॉन एन जीरो सी स्क्वायर वन माइनस कॉस फाई प्लस वन इंटू माइनस कॉस फाई, यही था माइनस का कॉस फाई है ही यू अपॉन यू डैश का मान अपन ने लिख दिया वन माइनस कॉस फाई है वन माइनस कॉस फाई है यू वन माइनस कॉस फाई है दोनों कॉमन ले सकते हैं टेन थीटा बराबर हो गया साइन फाई बटे वन माइनस कॉस फाई कॉमन हो गया एच अपॉन एन जीरो सी स्क्वायर प्लस वन, इसमें से कॉमन ले लिया वन माइनस कॉस फाई यहाँ से ये पूरा बच गया ये प्लस वन, इलेक्ट्रॉन का उत्कीर्णन कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब ऊर्जा भी अगर ज्ञात करना चाहे प्रतिशत इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी आएगी वो भी निकाल सकते हैं, देखो प्रतिशत इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या प्रति प्रति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के हाफ एन वी स्क्वायर बराबर कर सकते हैं क्या, तो जितना डिफरेंस आएगा पहले वाले फोटोन की ऊर्जा या यहाँ पे फोटोन की ऊर्जा और प्रतिणी फोटोन की ऊर्जा का डिफरेंस तो वही ऊर्जा जब इसको मिलेगी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, तो आपकी फोटोन की ऊर्जा एच यू और प्रतिणी फोटोन की ऊर्जा एच यू डैश, हम इसको वही जीरो पॉइंट टू डैश का मान लिख देंगे जो मान लगा पहले तो प्रति ऊर्जा जो है एच कॉमन हो गया यू डैश भी कॉमन हो गया क्या आ गया यू अपॉन यू डैश माइनस वन डैश कॉमन ले लिया, ये अपन यू डैश अपॉन यू का मान यहाँ भी लिख सकते हैं जो अभी निकाल था ना वो यू अपॉन यू डैश का मान एच यू डैश यू अपॉन यू डैश का मान ये है इसमें
अगली क्लास में नया डिस्कस करेंगे।